जय श्री खरभैया, हम तो गदवदी चली आ रहे हैं कार्यक्रम, फोन करें लोकगीत सुने ले। भैया मनोज सांस तो ले लो, सांस ले लो साता से। ले 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 सांस हो जो देखो नौ नौ सौ अटका ढेर सारे लोकगीत जी सब लेके चलिया। तो स्वागत है सबई श्रोता भैया बिन नहरो को आज की फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम में। और देखो बे भैया फोन उठा रहे हो, बोलने लगाओ और जो भैया हमने उठाओ। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत कर रहे हैं आपको। जी सर जी, हम ग्राम बरवाड़ा से रात के अहरवाल बोल रहा था। तो भैया कछु अपने बारे में बताओ। सर जी बढ़िया है, बस बैठे ही थे थोड़ा याद आ गई तो फोन लगा लिया मैंने। बिल्कुल भैया सही टाइम पे याद आई आपके लाने। जी सर। तो भैया बैठे काहे हो, कछु कर काहे नहीं रहे? अरे सर काम करके आ गया, अब छुट्टी हो गई तो मैंने सोचा फोन लगा ले। तो जागो भैया के सुस्ता रहे हो। जी सर जी जी, बड़े आराम से पेड़ के नीचे लेट जाओ, खटिया डरी हुए पानी को लोटा रखो हुए, थोड़ी देर देर में चाय मिल जाए भैया, और गांव की ठंडी ठंडी पुरवाई हो, कितना मजा आ जाऊ थे। जी सर जी। तो आप अपने गांव में बताओ, ऐसे ही कछु लगा थे कि कछु अलग है? हमारे तो सर जी अब उनसे अलग तो नहीं, मनो अच्छा जंगल है ना, और कच्चा गांव है ना, जंगल है अच्छा, तो अच्छा लगता है माने बरसात में जब अच्छा हरीरा हरीरा दिखता है। तो भैया गांव में कहूँ जंगल में कहूँ, घूमे फिर भी निकलत हो? नहीं नहीं सर जी, यहाँ तो थोड़ी है, निकलत है ना आप। यही तो है भैया जीवन। जी जी सर जी। जैसे भैया अब हम अटका पूछ रहे हैं। जी सर जी, बुझो ना बने सर बताए हैं। अटका कह रहे हो कि छह गोड़े दो बाहां, पीठ के ऊपर पूछ नाचे जो तमाशो कहां। सर जी एक बार और बोलिए। छह गोड़े दो बाहां, पीठ के ऊपर पूछ नाचे जो तमाशो कहां। सर जी किल्ली किल्ली तो नहीं भैया? चलो भैया अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे मैं। चुन्नी लाल रेखवार की ढमरी आई। तो आओ भैया सुनते हैं आपकी फरमाइश पे चुन्नी लाल रेखवार की गाय भाई जय ढमरी आई। राजा खेलवाना से लागल लगे बोले मन के Yeah.
हेलो जी सर, स्वागत कर रहे हैं आपको, अपना नाम बता दो। गौरी शंकर सोनी। गौरी भैया कहाँ से बोल रहे? दमोह से, बोतराई। चलो सुनाओ गौरी भैया, का चल रहा है बोतराई में? अपना डेकोरेशन को करा था सर। चलो साज सज्जा के कारज में लगी रहा तो बढ़िया है, उम्दा है, कछु न कछु कारज देखो सबई को करने पड़ा थे, आप भी लगे रहो। हाँ। भैया एक बात आपसे जरूर कहे हैं। हाँ। ऐसे कारज थोड़े से जोखिमी भी होते हैं। जी सर, आंधी तूफान। हाँ। पानी को डर बिल्कुल ना, वो के अलावा का है लाइट बिजली के जितने भी काम रहते हैं जी, थोड़े से जोखिमी कारज रहते हैं। जी सर, तो ये में का सावधानी बरतत जा बताओ। सर जैसा अपन डोरी डाल रहे हैं लाइन, तो पाइप में पानी लपेट दी और कट दूर करा। बिल्कुल, एक बात और हम आपसे कहे, जहाँ ऐसी कारज रहते हैं वहाँ कोनो भी ऐसी डोरी जोन में करंट सीधो आ रहा है उनको खुली नहीं छोड़ने, ऊपर लटकाने, खुली तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने। जी सर। कैसे भैया कारज के संगे संगे सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी यही है। जी सर। चलो बहुत अच्छी बात गौरी शंकर भैया की मार्फत पहुंची। भैया आकाशवाणी की कौन कौन सी कार्यक्रम सुनत? कौन करे लोग सुना सर? केवल एक ही कार्यक्रम? हाँ। चलो तो आपसे निवेदन कर है आकाशवाणी से जुड़ो, तमाम कार्यक्रम सुनेंगे। जी सर। गौरी भैया आप आ रहे हैं अपन अपने कार्यक्रम की परंपरा यानी अटका पे। हाँ। अटकने नहीं है। जी सर। बहुत ही आसान सो अटका आपसे पूछ रहे हैं। आज को अटका कह रहे हो छह घोड़े दो बाहा, पीठ के ऊपर पूछ नाचे जो तमाशो कहाँ? गैया के थन। नहीं भैया देखो यही मैं सबरो संकेत छुपो, एक बार और सुन लो। छह घोड़े दो बाहा, पीठ के ऊपर पूछ नाचे जो तमाशो कहाँ? मकड़ी तो नहीं सर? नहीं है। चलो हमारे गौरी भैया ने खूब जोर लगा लो, अटका को जवाब नहीं आओ, अब अपनी फरमाइश हम तक भेज दो। जी सर। चंद्रभूषण सर पाठक। कौन सो लोग की सुनवा दें गौरी भैया? सत्य के करज्ञा के होत भलज्ञा। बिल्कुल आपकी फरमाइश पे जो बहुत ही प्यारो सो लोकगीत चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव, सभी जने मिल के सुन रहे हैं गौरी भैया आकाशवाणी से, ऐसे ही जुड़े रहो। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अत्य के करैया की हो तो बुराई गत, रसवारी के भोरा रे। अत्य के करैया की हो तो बुराई गत, रसवारी के भोरा रे। रावण सो विद्वान, चार वेद को ज्ञान, हरि सिया जान मान बिगर गई मत। रावण सो विद्वान, चार वेद को ज्ञान, हरि सिया जान मान बिगर गई मत। रसवारी के भोरा रे, अरे अति के करैया की हो तो बुराई गत, रसवारी के भोरा रे। मथुरा में हतो कंस, पापी निर्दयी निशंस, हो गौ पल में विध्वंस भौगत पत। मथुरा में हतो कंस, पापी निर्दयी निशंस, हो गौ पल में विध्वंस भौगत पत। रसवारी के भोरा रे, अरे अति के करैया की हो तो बुराई गत, रसवारी के भोरा रे। अति के करैया की हो तो बुराई गत, रसवारी के भोरा रे। हिरणाकश्यप जरासंध, जोधा नामी प्रचंड, बल को भारी घमंड, कतरे गए रुंड। हिरणकश्यप जरासंध, जोधा नामी प्रचंड, बल को भारी घमंड, कतरे गए मुंड। अरे कह रहे हम सत्य, रसवारी के भौरा रे। अति के करैया की हो तो बुराई गत, रसवारी के भौरा रे। अति के करैया की हो तो बुराई गत, रसवारी के भौरा रे।
से मानो हमारी बनियो ना आता ताई नहीं तो हुए पछाई राम नाम सत। इसे मानो हमारी बनियो ना आता ताई नहीं तो हुए पछाई राम नाम सत। रसवारी के भोरा रे अरे अत के करैया की हो तो बुरई गत। रसवारी के भोरा रे इसे मानो हमारी बनियो ना आता ताई नहीं तो हुए पछाई राम नाम सत। इसे मानो हमारी बनियो ना आता ताई नहीं तो हुए पछाई राम नाम सत। सवारी के भोरा रे अरे अति के करैया की हो तो बुरई गत। रसवारी के भौरा रे अरे अति के करैया की हो तो बुरई गत। रसवारी के भौरा रे अति के करैया की हो तो बुरई गत। रसवारी के भौरा रे अरे अति के करैया की हो तो बुरई गत। रसवारी के भौरा रे हेलो नमस्ते नमस्ते आकाशवाणी बिल्कुल सही कह रही हूँ। फोन करें लोकगीत सुने अपना नाम बता दो। आरती प्रजापति कलेरा निखर से। आरती तो आरती करती क्या हो आप? कुछ नहीं काम धंध करते रहते घर का। घर को और पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई नहीं मेरी शादी हो गई दो बच्चे हैं। अच्छा अच्छा तो पहले उन्हें करी पढ़ाई? करी थी पहले आठवीं तक। तो पढ़ाई तो ऐसी है और ज्ञान एक ऐसी चीज है बाल बच्चे हो जाए नाती पोता हो जाए हम कितने भी बड़े हो जाए पढ़ाई ज्ञान की कोई उम्र नहीं हूँ थे। हाँ। और ये चीजें अपन को कछु न कछु देता ही है जिंदगी में। तो आप चाहो तो भाई आगे और पढ़ सका तो अब खेती किसानी है हम लोगों के पास वो ही करते रहते हम लोग के साथ जने बांट के। अच्छा अच्छा तो कितने एक सदस्य हैं घर में आपके? हमरे के मुख्य सदस्य हैं आठ दस जने दो जने जो और रहेंगे दो जने हैंगे दो भाई। अच्छा 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 बाल बच्चे तो पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ बाल बच्चे तो पढ़ रहे हैं एक सातवीं है एक पांचवीं है। कहे शिक्षा केवल नौकरी और काम धंधे के लाने नहीं होते दुनिया में सब कुछ ज्ञान से कर सका थे खेती भी कर है। तो भैया ऐसा हो रही थे कि आधुनिक तौर तरीके जो नए नए प्रयोग चल रहे हैं उन सबको लेके वो कर सका थे काम। अटका पूछ ले वे बिल्कुल छह घोड़े दो बाह पीठ के ऊपर पूछ नाचे जो तमाशो कहाँ। एक बार फिर से सुन लो छह घोड़े दो बाह पीठ के ऊपर पूछ नाचे जो तमाशो कहाँ। नहीं नहीं बंदा सर कोई बात नहीं थोड़ी और दिमाग लगा लो। नहीं बंदा सर कोई बात नहीं अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे। और मेरा पांडे को सुना देना। बिल्कुल हम सुनवा दे रहे हैं तो सुन लो आरती बिन्ना और मेरा पांडे को गाओ भाओ जो लोकगीत। धनिया मैं
बिल्कुल सही जगह फोन लगू आपको खूब खूब स्वागत कर रहे हैं आपके लोकप्रिय कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने में। गुड्डू चौबे बोल रहे हमारी ढूंढा जिला सागर से। गुड्डू भैया बहुत लंबो समय हुआ का बात है। अरे अब लगने रहो तो पहले खूब लगाते रहे वो हमारे ऐसे आदमी घनो घनो कैसे किसान निशान बाणी में लगा ली हम कर समस्या पूछ ली हम आई हाँ। गाँव के किसानों की भी समस्या हल हो जाते हम पूछा सो ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल आप आकाशवाणी के नियमित श्रोता हो तमाम कार्यक्रम खासतौर पे किसानी के कार्यक्रम में आप जो समस्याएं राखत हो वे सब खो फायदा देते हैं। गुड्डू भैया और सुनाओ का चल रहो। अबे तो कछु नहीं चल रहा साहब फ्री है गेहूँ तो लो आ रहे हैं सोसाइटी में। हाँ हाँ आओ तो वही काम चल रहा हम दो तीन दिन खोज रहे थे तो लो आए दे रहे। अच्छा कांटे पे तुल रहा हो तराजू पे? नहीं वो इलेक्ट्रिक वाले कांटे पे तुलत है 50 किलो 200 ग्राम लेते। चलो चलो भैया बढ़िया गेहूँ की फसल आ गई है तुलाई कराओ और आगे की कार्य किसानी के मन लगा करने हैं। जी जी जी। गुड्डू भैया अपने कार्यक्रम की एक ठैया परंपरा है आप और रखो अटकावे की अटका की। जी जी अब देखो झटका सो तो लगा ही रहा है मनो बन गया तो सूरज भी जा झटका कहूँ बिल्कुल 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 नहीं लगे झटका अटका बड़ो कोरो है और आपसे कह रहा है 6 गोड़े 2 बाहा 6 गोड़े 2 बाहा पीठ के ऊपर पूछ नाचे जो तमाशो कहाँ। अजा तो कर रही थी बिच्छू दे लो बिच्छू नहीं भज्जा इतनी कर दी ने भी दो बताओ जो तो हम चलिए सुने हैं अरे नहीं सुनो आना हमें अटका अधिकांश हम अटका बता देते संकेत बता दे कनक मना संकेत जमानो संकेत बताओ जा चुकू है आपको
छह से एक बेर और तुम बोलो। सुन लो गुड्डू भैया एक बेर और, छह गोले दो बाहा, पीठ के ऊपर पूछ नाचे जो तमाशो कहाँ। अब जज्जा तो अकाली भी है अब हमारे तो समझ में नहीं आ रही, मूंगफली तो नहीं। नहीं गुड्डू भैया, कार्यक्रम के अंत में जब जवाब मिले और आप कार्यक्रम सुन हो तो आपको पता लगे कि बिल्कुल कर रही नहीं थी। चलो अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दूं। संतोष कंतवार की सुनवा दूं मैं, सब खोन दर्शन दीजिए हो माँ देवी की सुनवा दूं तो भाई। बिल्कुल गुड्डू भैया की फरमाइश पे संतोष तंतवाय को गाव भो जो बहुत ही प्यारो सो देवी भजन सभी जने सुन रहे हैं। गुड्डू भैया मन लगा के किसानी की कार्य करत रहो, जुड़े रहो आकाशवाणी से, बहुत बहुत धन्यवाद। के माई सब खो दर्शन दीजिया हो मैया, सब खो दर्शन दीजिया हो। बनी है मड़िया रे सामू है द्वार, ऊंची बनी है मड़िया सामू है द्वार, चंदन लगी केवरिया पर्दा झालरदार, पर्दा झालरदार माई सब खो दर्शन। गेंदा फूले चमेली री क्योड़ा कचनार, गेंदा फूले कचनार, चंपा जूही मोगरा खुशबू है अपार, खुशबू है अपार माई सब को दर्शन दीजियो माँ, माई सब को दर्शन दीजियो। अमुआ बोले कोयलिया रे मोरा बोले रे पहार, अमुआ बोले कोयलिया मोरा बोले रे पहार, मोरा बोले रे पहार, भुवन बिराजी जाल पा महिमा है अपार, महिमा है अपार माई सब मैया, सब खो दर्शन दीजियो माँ। रक्त बरन है नारे मुंडों को रक्त बरन है ना मुंडों को
मंडल सो है बिंदिया दम के लार बिंदिया दम के लार माई सब कौदर सन दीजिया मैया सब कौदर सन दीजिया माई सब कौदर सन हेलो जयराम जी सर। जयराम जी भैया हम राजकुमार कुशवाहा बोल रहा धामोनी कनेरा से। अच्छा राजकुमार भैया खूब खूब स्वागत है भैया हमें जा बताओ के कछु अपने जंगलों के बारे में बताओ काहे के होते भैया जंगल बहुत अच्छे है पहले के टाइम पे और अभी भी अच्छे हैं। जी सर है तो उन जंगलों की खासियत बताओ और कौन कौन से जानवर दिख जाऊ थे। सर दिख जाते हैं ये रीछ भालू वगैरह है और सोंगर नील गाय और हमने भैया जा भी सुनी है कि तो भैया तेंदुआ भी आ जाऊ थे। हाँ जी सर आ जाते। तो भैया आप अपने बारे में बताओ और बताओ कि क्या कर रहे हो आजकल। अब आजकल सर पानी गिर रहा हो अपने बैठे हैं घर में और क्या पानी गिर रहा है। जी सर मगर घर में बैठ के फिर कछु काम नहीं धाम करो भैया। अब का काम करें सर पानी के मारे बाहर नहीं कर पाए जब करे घर में तो का अब अपने बैठे है रोटी बोटी बन रही खाना पीना हो बस। तो ये गांव की क्या कहने और खासतौर से आपके गांव जहां है उते के जंगल हमने देखे हैं बड़े सुंदर लगत है उते। जी सर बहुत प्यारो लगत। अब अटका भी बड़ो अच्छो सो है। सुनाओ सर। छह घोड़े दो बाह पीठ के ऊपर पूछ नाचे जो तमाशो कहां पीठ के ऊपर पूछ नाचे। हो घबरियो ना बिल्कुल कोई सामान आए जो ऐसा सोच लो सामान आए। हो सर बिच्छू तो नहीं अब नहीं बता पा रहे। तो एक जवाब हमारे कार्यक्रम के आखिर में दे हैं और नहीं तो कोई श्रोता भैया तो दे ही दे है। जी सर अब आ गए वही टाइम पे फरमाइश बता दो अपनी। राजू पटेल को सुनवा दीजिए अच्छे सो। बिल्कुल भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे राजू पटेल को गाओ भाव जो लोकगीत। जतन से करो किसानी हुई है ना हैरानी ये बड़े जतन से करो किसानी हुई है ना हैरानी भैया हुई है ना हैरानी कोनी समय से करो खेत में समय से सींचो पानी पानी रे हो जे हो धनवान अरे हो जे हो धनवान हो जे हो धनवान हो जे हो धनवान हो जे हो धनवान कर लो जतन से किसानी। पनपने पावे करके निदाई उखाड़ो ये खरपतवार पनपना पावे करके निदाई उखाड़ो भैया करके निदाई उखाड़ो अगर फसल में रोग लगे तो तुरंत दवाई डारो डारो रे नातर हुई ओ हैरान भैया ये नातर हुई ओ हैरान नहीं तो हुई ओ हैरान कर लो जतन से किसानी प्यारे प्यारे किसान कर लो जतन से किसानी। अरे अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो
अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो भैया, देसी खाद ही डालो भैया। अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो, फिर माणिक बोरी अच्छे बीज ही अपने खेत में डालो बनियों नायक ज्ञान। अरे बनियों नायक ज्ञान, बनियों नायक ज्ञान, कर लो जतन से किसानी। ए बनियों ने अज्ञान, बनियों ने अज्ञान, कर लो जतन से किसानी। प्यारे प्यारे किसान, कर लो जतन से किसानी। अरे आलू भट्टा टमाटर गोभी और लगा दो भाजी भैया, और लगा दो भाजी। अरे आलू भट्टा टमाटर गोभी और लगा दो भाजी भैया, और लगा दो भाजी। इसे दुहरी होत कमाई हो, इसे दोहरी होत कमाई, अपनी चलती रोजी रोजी रे बात सुनियो दे ध्यान, कर लो जतन से किसानी। पूरे प्यारे किसान, कर लो जतन से किसानी। पूरे प्यारे किसान, कर लो जतन से किसानी। हेलो, नमस्कार, फोन करें लोग सुने, बिल्कुल सही जगह फोन लगो है, आकाशवाणी सागर से कार्यक्रम है, फोन करें लोग गीत सुने, आपको स्वागत कर रहे। जी सर, हम सुरेंद्र हर बार बोल रहे सर, कर रहा पड़ से। सुरेंद्र भैया पहली बार बात हो रही? ये सर हम काफी समय से लगा रहा सर, अभी पहली बार लगो। का भैया का इतनी देर का लगा दी सर, फोन लगाओ तो सर मनो का कर रहे हैं बड़े लगातार। चलो लगातार लगी रहो करे, देखो आज बात हो रही, खुशी भी भेजा हो रही हुई है। सर सफलता आज मिल गई, बिल्कुल ऐसे ही सफलता आपको बराबर जीवन में मिले, ऐसे ही खुश रहो, प्रसन्न रहो, आकाशवाणी से जुड़े रहो। सुनाओ सुरेंद्र भैया का चल रहो बे? सर कुछ नहीं, चाय की दुकान रखे सर। चलो अपने कारज में लगी रहो, मन लगा के लगी रहो। आपसे एक बात जरूर पूछें, जैसे आप कारज कर रहे हो तो अपनी दुकान के आसपास साफ सफाईयत को कैसों का ख्याल रखा था मैं सुरेंद्र भैया? कचरा साफ करते थे, डिब्बा में डालते थे। बिल्कुल ये बात को ध्यान रखने और अपने जो भी ग्राहक है उनको भी बताने की भैया अपने आस पास जो है साफ सफाईयत रहे, कोई भी चीज इतने उतने फेंकने नहीं है, डस्टबिन डब्बा ऐसी कोई चीज रखो जो उनमें इकट्ठी करने। तो अपनी जिम्मेदारी है अपने शहर को अपने गांव को सुंदर स्वच्छ बनावे की। नीरज सोनी से बोल रहा था। बिल्कुल बोल रहे भैया सुरेंद्र भैया, आपसे बहुत ही उम्दा और उपयोगी बात भाई जो सब तक पहुंची। अब सुरेंद्र भैया आ रहे हैं अपन अपने कार्यक्रम की परंपरा यानी अटका पे। सर बोले, तो आज को अटका हमारे सुरेंद्र भैया से कह रहा है, छह घोड़े दो बाहा, छह घोड़े दो बाहा, पीठ के ऊपर पूंछ नाचे जो तमाशो, सुरेंद्र भैया बताओ कहाँ। गिर धोना तो नहीं। क्या कर रहे भैया आज तो सबरे जानवर गिर धोना बिच्छू सवाई दिखा रहे। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, चलो खुशी भी है फोन लग भी की, ऐसे ही खुश हमेशा बने रहो और अपनी फरमाइश हम तक पहुँचा दू। रामचरण यादव को, बिल्कुल रामचरण यादव को गाओ भाव जो बहुत ही प्यारो सो लोक गीत, सुरेंद्र भैया की फरमाइश पे सभी जने सुन रहे हैं। सुरेंद्र भैया ऐसे ही आकाशवाणी से जुड़े रहो, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। दुनिया अजब दीवानी, मोरी कहिए कई ना मानी। दुनिया अजब दीवानी, मोरी कहिए कई ना मानी। प्रताक्ष सत्य गुरु परमेश्वर, तज प्रताक्ष सत्य गुरु परमेश्वर, इते होते अरे इते होते फिरते भुलानी, मोरी कहिए कई ना मानी।
नहीं आया जब दीवानी मोरी कही ए कही ना मानी तीरथ मूरत पूजत डोले तीरथ मूरत पूजत डोले तीरथ मूरत पूजत डोले कंकड़ अरे कंकड़ पाथर पानी मोरी कही कही ना मानी कंकड़ पाथर पानी मोरी कही कही ना मानी अरे दुनिया अजब दीवानी रे मोरी कही कही ना मानी विषय बासना के फंदे पर विषय बासना के फंदे पर विषय बासना के फंदे पर मोह जाल अरे मोह जाल उरे झानी मोरी कही कही ना मानी उर जानी मोरी कही कही ना मानी दुनिया अजब दीवानी मोरी कही कही ना मानी को दुख दुख को सुख मानत सुख को दुख दुख को सुख मानत सुख को दुख दुख को सुख मानत हित अनहित हित अनहित नहीं जानी मोरी कही कही ना मानी दुनिया अजब दीवानी रे मोरी कही कही ना मानी दुनिया अजब दीवानी मोरी कही कही ना मानी औरन को मुँह रखे ठहरावत औरन को मुँह रखे ठहरावत औरन को मुँह रखे ठहरावत आपुन अरे आपुन बनत सयानी मोरी कही कही ना मानी बनत सयानी मोरी कही कही ना मानी साचे कहो तो मारन धावे साच कहो तो मारन धावे साच कहो तो मारन धावे झूठे खो अरे झूठे खो पतियानी मोरी कही कही ना मानी दुनिया अजब दीवानी मोरी कही कही ना मानी दुनिया अजब दीवानी मोरी कही कही ना मानी अब अपनो नाम बताओ भैया राजा भाई कुर्मी तो राजा भाई के छू अपने बारे में बताओ भैया सर खेती किसानी करते हैं बहुत अच्छी बात है तो भैया खेती किसानी में जैविक कृषि को का है हिस्सा आपके ते पिलाऊ करवा दो है नहीं पिलाऊ तो अच्छी बात है भैया
जैविक कृषि बोई के अपन जो रासायनिक खाद हैं, रासायनिक दवाइयां हैं, उनकी तरफ ना चल गए, अपन अपनी जो प्राचीन पद्धति है कृषि की, अपन ओ की तरफ चलें, गोबर खाद बना लें, केंचुआ की खाद बना लें, नीम से अपन कीटनाशक बना लें जी, ऐसी चीजें भैया कि प्रकृति की चीज प्रकृति में समा है तो उनमें कोई नुकसान भी नहीं और फायदा भी होता भैया। और अगर अपन लोग क्या करते हैं अपन और भैया कि रासायनिक दवाइयों को रासायनिक खाद को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग जैसे ही करो तो अपनी और जमीन की जो भैया उर्वरा शक्ति है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जो मित्र कीट होते हैं फसलों के वे भी नष्ट हो जाते हैं इन केमिकल से। जी जी सर, हमारा तो आपसे निवेदन है कि आप भी भैया जैविक खेती की तरफ चलो और अपने गांव वालों को भी ले चलो भैया। जी सर जी। तो कबू आपने केंचुआ खाद को इस्तेमाल करो है? गोबर खाद बेसी खतरनाक है। अच्छी बात है भैया। अब भैया हम अटका पूछ रहे हैं तो अटका को जवाब दे हो। जी। अटका कह रहा है कि छह घोड़े दो बाहां, पीठ के ऊपर पूंछ नाचे, जो तमाशो कहां? बिच्छू। अरे भैया बिच्छू तो बिल्कुल गलत है भैया। खाने पीने की चीज है के, माने खावे की चीज से जुड़ी है मगर देखो खाओ नहीं जात है, खावे की चीज इनमें से होके निकलत है। अच्छा तो नहीं बनना सर वो। चलो भैया कोई बात नहीं, अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे? विवाह गीत सुनवा दे जो सर। चलो भैया हम आपको सुनवाऊ थे जो लोकगीत। And
जय शेखर भैया, देखो आज के कार्यक्रम में हमारे तमाम श्रोता खूब जो लगातार मनो अटका को जवाब नहीं दे पाए, सो कोई बात नहीं, आज को जो प्यारो सो अटका जय शेखर भैया। मनो एक ही पहले भैया कि आप अटका को जवाब बताओ, हम अपने श्रोताओं से कह दे भैया कि आज के अटका को जवाब हमारे कोई श्रोता भैया नहीं दे पाए, में कोई परेशानी की बात नहीं। भैया आपसे भी हम ऐसे निवेदन करते हैं कि आप सब हमारे रेडियो केंद्र से जो प्रसारित नहीं भए हैं ऐसे अटका, अपने गांव के सुने भए अटका हमें लिख के भेजो भैया, तो आपके अटका को हम शामिल करने को पूरा प्रयास करें। जय शेखर भैया, बहुत अच्छी बात आपने कही थी, और आज को जो अटका है वो न केवल परंपरागत है बल्कि पहली बार अपन कार्यक्रम में शामिल कर रहे, यानी नव कहानो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो अब बता दो जाए कहा तू अटका का जवाब है तू। बिल्कुल बताओ भैया। छह घोड़े दो बाहा, पीठ के ऊपर पूंछ नाचे, जो तमाशो कहां जो हतु आज। भैया भैया इमें जो होत है कि अटका की दुनिया बड़ी मजेदार है, आदमी को अपन जो कैद कहूं की है और बतात कहूं की है, तो जहां की अपन कैद है आदमी उतना ही चल दे तो वही कुलिया में। तो एक लाने भैया बहुत ही अच्छा लगो हमें आज की अटका में सब भैया अटके, और अटका को जवाब का है पूरी व्याख्या करो भैया। बिल्कुल जय शेखर भैया, आप नहीं अटका रहे, आज के अटका को जवाब हतु तराजू, और बहुत आसान भी है, तो हमारे श्रोता भैया हरे फोन लगवे की खुशी के मारे उत्तो जोर नहीं लगा पाए। जय शेखर भैया, जो बहुत ही प्यारो सो अटका हमें व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त भवतु, और जो अटका शिखा यादव किशनपुरा सागर ने हमें भेजो, तो शिखा जी तो आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद, अच्छो अटका भेजो आपने। अब हमारे लाने ऐसे ही अच्छे अच्छे अटका और सब भेजो भैया। बिल्कुल जय शिखर भैया, और हमारे तमाम श्रोता जो आज के कार्यक्रम में फोन लगात रहे, वो सफलता नहीं मिली, सो भी आगे प्रयास करत रहे, निश्चित रूप से उनसे भी बहुत ही प्यारो सो बुंदेली बतका हुई है। और अपने ये कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हमारे तमाम श्रोता भैया हरे 4 बजे से 5 बजे तक फोन लगा के और ये कार्यक्रम को हिस्सा बन सकत हो, और जैसे कि हमारे जय शिखर भैया कहत रहते हैं कि भैया बीस श्रोता जिनकी फोन लगे 3 महीना हो चुके हैं, 3 महीना बाद ही फिर से कार्यक्रम में शामिल हो, उनको फोन जरूर ही कार्यक्रम में शामिल कर। ये बातें आपके फायदा के लाने हैं, ये मैं भैया हमारे सभी श्रोताओं को हित छुपो है कि ऐसो नहीं भैया कई आदमियों के फोन लगातार लग जाएं और कईयों के बिल्कुल सालों ना लगें, तो ऐसे भैया जो नियम ऐसो बनाओगा वो है कि आपके फोन हमें 3 महीना बाद मिले, आजकल नहीं, अब आज के भैया दूसरों को मौका दो, जा है बात भैया। में शिखर भैया एक बार हमारे श्रोताओं को अपने कार्यक्रम से जुड़ भी फोन नंबर और अटका भेजवे व्हाट्सएप नंबर और बता दू। बिल्कुल भैया, अटका भेजवे को व्हाट्सएप नंबर है 9770432297। झट एक बार हम और दोहराए दे रहे हैं भैया, 9770432297। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है भैया, और कार्यक्रम से जुड़ भी आकाशवाणी सागर के फोन नंबर हैं, पहले कोड सुन लो 0-75-82। और भैया हमारो फोन कर भी के लाने फोन नंबर है 240-845। बिल्कुल एक बार फिर सुन लो सबई जने 0-75-82-240-845। तो कार्यक्रम से जुड़ो, बुंदेली बतकाव करो और अपनी पसंद की प्यारी प्यारी लोकगीत सुनो। ई कार्यक्रम में आप श्रोता भैया बिन नहरों से बुंदेली में बतकाव कर रहे थे हम नीरज सोनी और हम भैया जय शेखर। जय शेखर भैया, आज को कार्यक्रम होगा तई सम्पन्न, सुलीत है सबई जनों से आज्ञा, और की थे राम राम, राम।